नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणित कुमार और मैं अपने गणित बादशाह यूट्यूब चैनल पे कार ड्राइविंग, ट्रक ड्राइविंग, बस ड्राइविंग ये सारे चीज़ सिखाता हूँ। तो आज मैं बस का ड्राइविंग सिखाने वाला हूँ। 5 मिनट आप मेरे वीडियो में एंड तक देखे और आपको सब चीज़ समझ में आ जाने वाला है। तो हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, दिखाते हैं आपको इसके फीचर। ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी और ऑफ कैसे होगी और चलेगी कैसे। सबसे पहले ये हमारा गियर है और ये स्टीयरिंग है और ये सारा बटन है और ये भी बटन है और ये गियर का ये हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है, ठीक है। और ये प्रेशर हॉर्न है, ये प्रेशर हॉर्न है, ये ऐसा हॉर्न है पीपी वाला। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने के लिए ये बटन होता है पावर का, ऐसे में पावर ने दिया और यहाँ से चाबी ऑन कर दिया, ठीक है। चाबी यहाँ ऑन, जब तक ये आवाज बंद ना हो जाए जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करा। आवाज बंद हो गया, अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना के लिए ऐसे ऑफ करके देखा, चाबी से ऐसे ऑन कर दोगे ऑफ हो गया। अब क्या करना है, ऐसे ऑन करना है और ये सारा बत्ती बंद हो जाए ना, जितना दिख रहा है ऐसे मीटर का। इसके बाद स्टार्ट करना है, अब ये सारे बंद हो गए, एक दो जलना है जो चीज मतलब पार्किंग का है वो सब। अब स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट करना के लिए अब इसमें गियर क्या है कि हैंड ब्रेक पहले नीचे करना, देखो और इसको नीचे करना है। ऐसा करोगे तो नहीं होगा, इसको प्रेस करना है ऊपर की तरफ प्रेस करके इसको नीचे करना है, सबसे पहला काम है। इसके बाद यार गियर लगाना है, इधर सीधा ये 2 नंबर हुआ, 2 नंबर में गाड़ी उठ जाती है, बस 2 नंबर में ऐसे उठाएंगे, देख सकते हो कितना प्यार से उठ रहा है। फिर रोकेंगे कलच को, फोकस करो कलच ब्रेक को, देख सकते हो। इस बार मैं 1 नंबर लगा रहा हूँ, 1 नंबर कुछ इस तरह से गियर समझ लो। पहले ये हुआ 1 नंबर, सीधा करके 2 नंबर, ये पीछे 3 नंबर और ये सबसे इधर राइट में दबा के ये हो गया 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर, ओके। ये समझ के समझा रहा हूँ, ये सबसे लेफ्ट में दबा के 1 नंबर, ये सीधा छोड़ोगे और सीधा लगाओगे 2 नंबर, ये पीछे गिर दोगे 3 नंबर, ये सबसे राइट में दबा के आगे करोगे 4 नंबर, सबसे इधर करोगे 5 नंबर और सबसे लेफ्ट में दबा के और आगे की तरफ ले लोगे तो ये हो गया बैक नंबर। बैक पर भी दिखा देता हूँ, ये हो गया बैक नंबर, ठीक है, बैक नंबर हो गया। तो हम सबसे पहले 1st नंबर लगाएंगे और इसको क्लच में फोकस करो, जितना क्लच छोड़ेंगे उतना एक्सीलरेटर देंगे, इतना क्लच छोड़ दिए और इतना एक्सीलरेटर दे दिया, गाड़ी आराम से उठ गया, देख सकते हो गाड़ी चल रही है हमारी। तो ऐसे उठा के प्रैक्टिस करना है डेली के, फिर रोक लिए, ब्रेक से रोक लिए, फिर इसको हल्का सा क्लच छोड़ दे और रेस दे, देख सकते हो गाड़ी एकदम अच्छा से उठ रहा है। फिर रोक दिए, फिर हल्का सा क्लच छोड़े, फिर एक्सीलरेटर दिए और ऐसे आप 1 हफ्ता तक आप करो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आप खुद गाड़ी चलाने लगोगे, ठीक है। अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है।